हाई एवरीवन, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ देख रहे थे हम लोग, और इसमें लास्ट लेक्चर में आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में डील किए थे। आयोनाइजेशन एनर्जी लगभग समाप्त हो चुका था। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड जो अभी हम लोग देखेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी के मदद से जो है ना, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी के वैल्यू के उसके डाटा के आधार पर आप आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हो या बतला सकते हो कि एक एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी के आधार पे आप ये आसानी से बतला सकते हो कि एक एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। चूँकि आयोनाइजेशन एनर्जी का जो डेफिनेशन हमने पढ़ा था उसमें था कि इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट सेल से निकालने में जो एनर्जी लगेगा उसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे, ऐसा डेफिनेशन था। अब ये भी हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं कि आखिर इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से ही क्यों निकलेगा, आउटर मोस्ट सेल से। तो उसका वजह हम लोग देखे थे कि आउटर मोस्ट सेल मतलब कि न्यूक्लियस से सबसे दूर वाला सेल, और न्यूक्लियस से सबसे दूर है मतलब कि उस सेल में न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम पहुँचेगा, मतलब उस सेल का इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट सबसे कम होगा। तो वैसे इलेक्ट्रॉन को वहाँ से निकाल पाना आसान है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ कम है, तो आप कम एनर्जी भी दोगे तो वह फोर्स आसानी से ब्रेक करेगा और वह जो इलेक्ट्रॉन है वह न्यूक्लियस मतलब कि एटम से बाहर निकल जाएगा काफ़ी आसानी से। क्या होगा यदि हम इलेक्ट्रॉन को इनर सेल से निकालें? तो इनर सेल है इसका मतलब हुआ कि वह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होगा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के तुलना में, और यदि इनर सेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट है, वे ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं मतलब कि वे एक स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े हुए हैं, तो ऑब्वियसली उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगा क्योंकि उस फोर्स को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करना होगा। इलेक्ट्रॉन को निकालना है मतलब कि फोर्स को ब्रेक करना है, और फोर्स स्ट्रांग है तो फिर ऑब्वियसली एनर्जी वहाँ ज़्यादा लगने वाला है। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन को आप वैलेंस सेल से निकालो, फिर उसी एटम में इलेक्ट्रॉन को आप इनर सेल से निकालो, तो ये वैलेंस सेल वाले के तुलना में जब इनर सेल के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वहाँ से बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा वैलेंस के तुलना में, एब्रप्टली चेंज करेगा आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब वैलेंस को निकालने में यदि 1000 किलो जूल एनर्जी लग रहा है तो इनर सेल इलेक्ट्रॉन को निकालने में हो सकता है 6000 किलो जूल, 7000 किलो जूल, ऐसे इतना का डिफरेंस रहेगा। तो जब ऐसे अचानक से इतना चेंज करेगा आयोनाइजेशन एनर्जी तो हम लोग समझ जाएंगे कि यह इलेक्ट्रॉन अब इनर सेल का निकल रहा है, एब्रप्टली चेंज करेगा बहुत तेज़ी से। हम मान लें कि किसी एटम का वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, सपोज अब वैलेंस सेल से 1 इलेक्ट्रॉन निकाले 1000 किलो जूल लगा, अब एक निकल गया फिर उसके बाद का इलेक्ट्रॉन निकाले तो थोड़ा सा एनर्जी ज़्यादा लगेगा, हो सकता है 1500-1600 किलो जूल लगे, फिर उसके बाद थर्ड वाला निकाले हो सकता है 2100 किलो जूल लगे। लेकिन जैसे ही ये वैलेंस वाले 3 निकलेंगे और अब आप चौथा इलेक्ट्रॉन निकालोगे जो कि इनर सेल से निकलने वाला है तो पता चलेगा डायरेक्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 8000-9000 किलो जूल तक पहुँच गया। तो ये जब अचानक से चेंज करेगा कि शुरू में 500, 600 या 1000 का अंतर था और अब अचानक से 5000, 6000 किलो जूल का अंतर हो गया, तो समझ जाओगे कि अब यह इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहा है, इनर सेल से निकल रहा है। तो इस आयोनाइजेशन एनर्जी के आधार पे जो है हम लोग काफ़ी आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं और काफ़ी आसानी से जो है बता सकते हैं कि किसी के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं काफ़ी आसानी से। जैसे कुछ एलिमेंट का एग्जांपल, एलिमेंट इसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी 1, आयोनाइजेशन एनर्जी 2, आयोनाइजेशन एनर्जी 3 एंड आयोनाइजेशन एनर्जी 4। ये सारे आयोनाइजेशन एनर्जी किलो जूल पर मोल में है, ये सब किलो जूल पर मोल में है, और इस आधार पे यहाँ हम लोग प्रिडिक्ट करेंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
तो जैसे लिथियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। अब लिथियम का वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं लगता है, 520 किलो जूल। अब जैसे ही इसका वैलेंस का एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसके लिए इनर सेल से, अब वहाँ जो एनर्जी लगेगा मीन्स सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, वो देखो कितना ज़्यादा होता है, 7296 किलो जूल। वही मैग्नीशियम के वैलेंस सेल में दो इलेक्ट्रॉन है, तो दो इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, 737 और ये है 1450। लेकिन जैसे ही आप तीसरा निकालोगे एनर्जी लगता है 7731 किलो जूल पर मोल। उसी प्रकार से एल्युमिनियम के वैलेंस सेल में तीन है, तो तीनों को निकालने में बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं लगेगा, 577, 1816, 2744। अब इसके बाद जैसे ही उसके लिए फोर्थ निकालोगे, उसका एनर्जी है 11600 ऐसा, इस तरह से। अब इसको समझो, यहाँ से लिथियम का एटॉमिक नंबर तीन है ना, 2 और 1। स्ट्रक्चर बना करके चलोगे तो ये फर्स्ट सेल में दो इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में एक इलेक्ट्रॉन। अब यह अभी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इसको आप निकाल दिए, एनर्जी लगा 520। अब इसके बाद क्या होगा कि जैसे ही आप इनर सेल में जाओगे, ये इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो गया, निकल गया, तो अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली इस फर्स्ट सेल से निकलेगा। अब यहाँ दो दो बात है, एक तो यह सेल इसके नज़दीक है, एक तो यह सेल इसके नज़दीक है, और अब जब यह एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अब वो निकलने से इस इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज पहुँचेगा वो पहले से अब ज़्यादा हो जाएगा, वो जो है अब पहले से क्या हो जाना है, ज़्यादा हो जाना है। तो इस सिचुएशन में, इस केस में ऑब्वियसली इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा, इसलिए जो इसका एनर्जी डिफरेंस देख रहे हो कितना ज़्यादा देख लो, 520 से 7296, लगभग 14 टाइम्स बढ़ गया एनर्जी। और रीज़न इसका यही है कि वैलेंस से जैसे ही इनर में जाओगे, तो एक तो वह सेल न्यूक्लियस के नज़दीक है, और दूसरा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अब और क्या होता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ऐसा मैग्नीशियम में भी वही बात होगा, 12 है एटॉमिक नंबर, 2, 8 और 2। अब यहाँ से देखोगे तो यह न्यूक्लियस फर्स्ट सेल में दो इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड सेल में ऐसे करके 8 होंगे, थर्ड सेल में फिर 2। अब ये दो इलेक्ट्रॉन निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, एनर्जी लगा 737। अब एक निकालने के बाद फिर जो दूसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके पास न्यूक्लियर चार्ज अब पहले से ज़्यादा पहुँचेगा थोड़ा, तो इससे ज़्यादा एनर्जी लगेगा इसमें। लेकिन जैसे ही ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकले और अब आप पहुँचोगे इनर सेल में, मतलब कि सेकेंड लास्ट सेल या सेकेंड सेल में, तो अब इस केस में बताया कि एक तो अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर से काफ़ी नज़दीक हो गया इसके तुलना में, और दूसरा कि न्यूक्लियर चार्ज अब बढ़ गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो फिर आसानी एकदम बड़ा तेज़ी से बढ़ेगा आयोनाइजेशन एनर्जी। और सेम रीजन एल्युमिनियम के लिए है, एल्युमिनियम में यहाँ तीन हो जाएगा, तो तीनों निकलेगा उसके बाद अंदर सेल से, देख लो 11600 जूल लग जा रहा है ऐसा। तो जहाँ ऐसे बड़ा डिफरेंस आएगा, समझ जाओगे कि इनर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ऐसे, इस तरह से। यह जो लार्ज डिफरेंस आएगा, एकदम एब्रप्टली चेंज करेगा बड़ा तेज़ी से, जब आयोनाइजेशन एनर्जी चेंज करे, तो समझ जाना कि अब वहाँ से इनर सेल के इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो इसका मतलब कि यह इनर सेल का इलेक्ट्रॉन है, तो केवल वैलेंस में ही बचा मात्र एक इलेक्ट्रॉन, तो कहेंगे इसका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। अब यहाँ से चेंज किया, यहाँ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया, यहाँ किया, तो इसका मतलब कि ये दोनों वैलेंस वाले हैं, ये इनर वाला, तो वैलेंस में इस बार 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। वैसे यहाँ देखो, यहाँ तेज़ी से चेंज कर रहा है, इधर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया है, यहाँ देखो बहुत तेज़ी से, तो इसका मतलब ये तीन इनर वाले हैं, वे वैलेंस का है, तो ये हो गया 3 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से आयोनाइजेशन एनर्जी का डाटा के आधार पर हम आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है।
इसको आसानी से प्रिडिक्ट किया जा सकता है, क्योंकि एनर्जी इतना तेज़ी से चेंज करेगा, यू कैंट इमेजिन। तो इस तरह से यहाँ से आयोनाइजेशन एनर्जी पूरी तरह से समाप्त होता है 100%। जितने टॉपिक्स कवर अप करने थे इससे, या फिर इसमें जितना भी क्वेश्चंस वगैरह बन सकता था, जिस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उन सब के बारे में जो है मैंने बतलाया। अब अच्छे से आप इसको रिवीजन करोगे, इसमें से बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं जिसे नोट्स में मेंशन नहीं किया गया है, तो उसको वीडियोस के थ्रू ही आप करोगे, नोट कर लोगे कॉपी में, ताकि आगे आसान हो। नेक्स्ट टॉपिक अब आता है इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी, शॉर्ट में इसे ऐसे लिखा जाता है डेल्टा EGH, या इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब होता है किसी के प्रति लस्ट, किसी के प्रति लव, लगाव किसी से। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है मतलब कि किससे लगाव रहेगा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन से लगाव रहेगा। तो कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक प्रकार से बतलाता है, इट मेजर्स द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू गेन इलेक्ट्रॉन। एक एटम का इलेक्ट्रॉन गेन करने के टेंडेंसी को बतलाता है, मेजर करता है या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब बताया किसी के प्रति लगाव, तो इलेक्ट्रॉन के प्रति लगाव, तो कोई भी एटम का इलेक्ट्रॉन के प्रति कितना लगाव है उसी को बतलाता है या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इलेक्ट्रॉन लेने के टेंडेंसी को एक प्रकार से समझ लो। अब ऊपर वाले डेफिनेशन में जाओ, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी, कि इलेक्ट्रॉन जब गेन होगा तब जो एन्थैल्पी चेंज करेगा, एन्थैल्पी चेंज करने का मतलब एक प्रकार से एनर्जी चेंज समझ लो। एनर्जी एंड एन्थैल्पी आर नॉट एग्जैक्टली आइडेंटिकल, देयर इज सम डिफरेंस, लेकिन अभी समझने के लिए मान करके चलो कि एन्थैल्पी का मतलब क्या हुआ, एनर्जी। तो कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब जो एनर्जी चेंज होगा, एन्थैल्पी चेंज होगा, उसे ही हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी। E से हुआ इलेक्ट्रॉन, G से हुआ गेन, H से हुआ एन्थैल्पी, और ये डेल्टा बतलाता है चेंज को, जो ट्रायंगल के जैसा है इसे हम डेल्टा कहते हैं, और ये बतलाता है किसे, चेंज को। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने पर जो एन्थैल्पी चेंज किया उसे ही कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी, डेल्टा EGH। अब जरा आयोनाइजेशन एनर्जी से इसे कंपेयर करके पढ़ो। क्या पढ़े थे कि इस तरह से कोई एटम है, उसमें बहुत सारे सेल्स हैं, सब में इलेक्ट्रॉन है, सब में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन है ऐसे, और ये वैलेंस में भी इलेक्ट्रॉन है। तो यह जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा, कोई ना कोई यहाँ अट्रैक्टिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जब इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बाहर कर रहे थे तो बाहर करने में एनर्जी लग रहा था, क्यों, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन बाहर तभी जाएगा जब इस फोर्स को आप ब्रेक करोगे, जो फोर्स इसका न्यूक्लियस के साथ लग रहा है, जिस फोर्स से या न्यूक्लियस के साथ जुड़ा हुआ है, जब तक इस फोर्स को आप ब्रेक नहीं करोगे तब तक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा।
इसलिए यहाँ एनर्जी हम लोग को देना पड़ रहा था, मतलब या जो आयोनाइजेशन एनर्जी था या एक इंडोथर्मिक प्रोसेस था। तो इसके लिए जो एनर्जी चेंज है डेल्टा एच वह पॉजिटिव है, मतलब कि एनर्जी यहाँ एब्जॉर्ब होगा। अब इसी का एकदम उल्टा समझो, उल्टा क्या समझो कि बाहर में कोई इलेक्ट्रॉन है और यह जा रहा है उस एटम में, बाहर में कोई इलेक्ट्रॉन है जिसे हम उस एटम में ऐड कर रहे हैं या फिर वह एटम इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो जैसे ही यह इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा तो अभी इलेक्ट्रॉन किसके तरफ अट्रैक्शन फील करेगा, न्यूक्लियस के तरफ। इलेक्ट्रॉन पे माइनस है, न्यूक्लियस पे प्लस है। तो बाहर से जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाता है या अट्रैक्ट होगा न्यूक्लियस की तरफ, मतलब कि न्यूक्लियस और इस एडेड इलेक्ट्रॉन के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑपरेट होगा जो पहले से नहीं था, या एक नया फोर्स डेवलप होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ नया नया गया है ऐसा। तो कहने का मतलब कि एक प्रकार से यहाँ फोर्स डेवलप हो रहा है, एक प्रकार से समझ लो कि यहाँ क्या हो रहा है, फोर्स डेवलप हो रहा है। और जब कभी भी कहीं फोर्स डेवलप हो तो हमेशा वहाँ एनर्जी रिलीज होता है। बेसिक सा थ्योरी है, इसको याद रख लो कि यदि फोर्स को ब्रेक करना है, बॉन्ड को तोड़ना है, तो उस केस में एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ता है ताकि वह बॉन्ड टूटे। और जब भी ऐसे दो स्पीसीज के बीच आपस में अट्रैक्शन हो, अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो, तो उस अट्रैक्टिव फोर्स का डेवलपमेंट के चलते वहाँ एनर्जी रिलीज होगा। मतलब कि जब भी अट्रैक्टिव फोर्स बने, कोई बॉन्ड बने, तो वह बॉन्ड का बनना एक प्रकार से एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। बॉन्ड का बनना एक प्रकार से कैसा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड होगा एक एटम में, वह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा, मतलब वहाँ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप करेगा। एंड ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ दिस न्यू फोर्स, ड्यू टू द एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एनर्जी इज रिलीज्ड। और यह जो एनर्जी रिलीज होगा, दैट एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी। कि इलेक्ट्रॉन गेन करने पर जो एन्थैल्पी चेंज किया, तो एन्थैल्पी चेंज जो यहाँ करेगा डेल्टा एच, वह नेगेटिव में होगा। नेगेटिव का मतलब एनर्जी रिलीज होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसलिए तो आयोनाइजेशन एनर्जी का जस्ट उल्टा, आयोनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन को बाहर कर रहे थे, फोर्स को तोड़ना पड़ रहा था इसलिए एनर्जी सप्लाई कर रहे थे। यहाँ उल्टा, यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो यह न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा तो नया फोर्स बनेगा। यहाँ फोर्स टूट रहा था, यहाँ फोर्स डेवलप होगा। तो फोर्स तोड़ने में जब एनर्जी लग रहा था तो फोर्स डेवलप होने के बाद एनर्जी रिलीज होगा, और जो एनर्जी रिलीज होगा वही कहलाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी। सिंपल नाम से ही पढ़ लेना बस, कि इलेक्ट्रॉन गेन करने पर जो एनर्जी चेंज किया या फिर एन्थैल्पी चेंज किया, उसे ही कहेंगे हम लोग। अब आते हैं इसके थोड़ा एग्जैक्ट डेफिनेशन पे, मतलब तो समझ गए हम लोग क्या है। आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो याद करो वहाँ क्या क्या वर्ड्स इस्तेमाल हुए थे, कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। वही सारे वर्ड्स यहाँ भी आएंगे, आइसोलेटेड गैसियस एटम लिखा जाए डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी released when an extra electron is introduced, मतलब समझ लो added, add किया जा रहा हूँ, to an isolated gaseous atom of an element in its ground state, in its ground state to produce a gaseous anion,
टू प्रोड्यूस ए गैसियस एनायन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी। अब इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी है तो ई जी ऐसे करके रिप्रेजेंट करना है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को शॉर्ट में हम लोग ई ए लिखते हैं, और एनर्जी का बात जहाँ भी हो तो उसके लिए हम लोग किलो जूल पर मोल या फिर किलो कैलोरी पर मोल का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, मतलब तो बता ही दिए, एक बार डेफिनेशन के थ्रू इसे कर लें हम लोग। क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज इंट्रोड्यूस्ड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम ऑफ एन एलिमेंट इन द ग्राउंड स्टेट। फिर से वही बात है, एक एलिमेंट है उसमें कई एटम्स होते हैं, लेकिन उसका एक कोई सिंगल एटम लेना है जिसे हम क्या कहेंगे, आइसोलेटेड गैसियस एटम। सपोज ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, अब इसके अंदर ऑक्सीजन के कई एटम्स होंगे। अब यह जो एटम है एक अलग एटम होना चाहिए जिसे हम कहेंगे आइसोलेटेड एटम, ऑब्वियसली गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन ऐड करना हो या रिमूव करो गैसियस फॉर्म से। और यह जो एटम है लिखा हुआ है कि ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए। अब ग्राउंड स्टेट में ही इलेक्ट्रॉन का एडिशन और रिमूवल क्यों होता है, सबसे बड़ा बात, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में उस सिस्टम का एनर्जी मिनिमम होता है, मतलब कि वह सिस्टम थोड़ा अस्टेबल है। अब मिनिमम एनर्जी है, अस्टेबल के फॉर्म में है, तो उसी केस में आप उससे इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो या इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हो। यदि वह अपने ग्राउंड स्टेट में ना हो, एक्साइटेड स्टेट में हो, मतलब वहाँ उसके लिए एनर्जी होगा अधिक, तो उस केस में उससे इलेक्ट्रॉन निकालना या ये करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसको ऐसे समझ लो कि यदि कोई व्यक्ति टेंशन फ्री हो मतलब समझ लो कि वह ग्राउंड स्टेट में है, एनर्जी कम है उसका, उतना बेचैन नहीं है, सुकून से रह रहा है, तो जब वह व्यक्ति टेंशन फ्री है, ग्राउंड स्टेट में है, बड़ा खुश रह रहा है, तो उस केस में आप उस व्यक्ति से जो चाहो करवा सकते हो। आप उस व्यक्ति के लिए कुछ कर सकते हो या फिर उस व्यक्ति से अपने लिए कुछ करवा सकते हो। उसके लिए कुछ कर सकते हो मतलब वही बात हुआ कि इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ऐड होगा, और उससे कुछ अपने लिए करवाओगे मतलब उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ऐसे करके। लेकिन समझ लो कि वही व्यक्ति बहुत गुस्सा में है, तो जब वह गुस्सा में है तो उस केस में ना तो आप उसके लिए कुछ कर पाओगे ना उससे कुछ करवा पाओगे। नहीं होता है, जब आदमी चिड़चिड़ा हो, बहुत गुस्सा हो, तो उसको बढ़िया बात भी बोलोगे ना तो ख़राब लगेगा, क्योंकि उस समय उसका एनर्जी हाई होता है, वो एक्साइटेड स्टेट में है, तो कोई भी प्रोसेस उस समय वो करना नहीं चाहेगा, चाहे वह उसके हित में हो या उसके अगेंस्ट में हो, चाहे आप उसके लिए कर रहे हो या वो आपके लिए करे, वो नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उस केस में उसका एनर्जी क्या होता है, ज़्यादा होता है, एक्साइटेड स्टेट में है वो आदमी। सिमिलर केस यहाँ समझ लो कि जब कोई एटम ग्राउंड स्टेट में है, एनर्जी कम है, तो फिर भाई उससे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो निकाल लो, इलेक्ट्रॉन डालना है उसमें डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि वही एलिमेंट एक्साइटेड स्टेट में है तो वहाँ फिर मुश्किल हो जाएगा, वहाँ ना तो आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर पाओगे ना तो इलेक्ट्रॉन उससे निकाल पाओगे। इसलिए ग्राउंड स्टेट वाला बात को भूलना नहीं है। तो कोई एलिमेंट है जिसके कई एटम्स हैं, उसमें से एक एटम को यदि लें जो उसके लिए आइसोलेटेड एटम कहलाएगा, ऑब्वियसली गैसियस फॉर्म में होगा और ग्राउंड स्टेट में होगा, तब जो उसमें हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस करेंगे, एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन मतलब वो एटम में पहले से जितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था उतना है, आप उसके अतिरिक्त आप उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हो, तब जो एनर्जी रिलीज होगा, जो एनर्जी वहाँ से बाहर निकलेगा, उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी कहेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी के नाम से उसे जानेंगे। सिंपल सा है, मान लिया जाए कि एक्स कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम है, एक्स
और यह क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। आइसोलेटेड गैसियस एटम है जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। गेन क्या कर रहा है, मतलब आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो। अभी यह इलेक्ट्रॉन आएगा कहाँ से, तो यह इलेक्ट्रॉन कोई दूसरे एटम से, क्योंकि हम लोग पीछे देखें कि कुछ एलिमेंट या कुछ एटम इलेक्ट्रॉन लूज भी तो करते हैं आसानी से। मेटल के केस में आयोनाइजेशन एनर्जी उनका कम होगा, तो वही जो इलेक्ट्रॉन लूज किया है कोई एटम उसी को यह गेन कर लेगा। अलग से कहीं से खरीद के थोड़े लाना इलेक्ट्रॉन, जब ये कंबाइन करेंगे किसी दूसरे एटम से तो अगला एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो बदले में ये गेन कर लेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यह बन गया एक्स माइनस। अब एक्स माइनस बन गया मतलब एक गैसियस एनायन बन गया, और यहाँ जो एनर्जी रिलीज होगा, दिस एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी। तो पूरा सिंपल सा डेफिनेशन है यहाँ से कि कोई भी आइसोलेटेड गैसियस एटम है किसी एलिमेंट का, तो उसके ग्राउंड स्टेट में जब आप एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो जो एनर्जी रिलीज होगा जिसके चलते कि गैसियस एनायन का फॉर्मेशन होगा, तो उस एनर्जी को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी। अब चूंकि एनर्जी रिलीज होगा इसका मतलब या जो इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी है इसका वैल्यू हमेशा नेगेटिव न्यूमरल वैल्यू रहेगा, नेगेटिव न्यूमरल वैल्यू, या नेगेटिव साइन केवल इतना बताएगा कि एनर्जी रिलीज हो रहा है। क्योंकि हम लोग जानते हैं इस बात को कि डेल्टा एच जो एन्थैल्पी चेंज है या एनर्जी चेंज है, इसका वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव। पॉजिटिव केवल इतना बताता है कि एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, अवशोषित हो रहा है एनर्जी, और माइनस बताएगा कि एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी यहाँ से बाहर निकलेगा। बस साइन केवल एनर्जी के एक्सचेंज को बता रहा है कि एनर्जी एब्जॉर्ब होगा या एनर्जी रिलीज होगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी में एब्जॉर्ब होता था तो प्लस होगा, यहाँ रिलीज होगा तो माइनस हो जाएगा, बस इतना सा बात है इसमें। तो डेफिनेशन हम लोग समझ गए, बाकी जो और भी बातें हैं इससे रिलेटेड उसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।